कहानी के शुरू में कोई पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में दफना देता है और यहीं से सीन शिफ्ट होकर मार्टिन नामी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो घने जंगलों के दरमियान गवर्नमेंट के बनाए रिसर्च एरिया में जाता है। हमें पता चला है कि इस वक्त दुनिया में कोई अजीब वबा फैल गई है जिसके चलते आधे इंसान मारे जा चुके हैं, जमीन पर खाने की भी कमी हो गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि थोड़ी बची फर्टाइल जमीन से ज्यादा अनाज उगाया जा सके और दुनिया में बचे इंसानों के लिए खाने का मसला खत्म हो। इसी रिसर्च के सिलसिले में मार्टिन भी यहाँ आया था। पहले उसके कुछ फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं ये जानने के लिए कि वो भी वबा के वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। टेस्ट क्लियर होने पे वो अपनी गाइड एल्मा से मिलता है जो उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाती जहाँ उसे रिसर्च करनी थी। इस वक्त जिस घर में मार्टिन रुका था वहाँ पर एक पेंटिंग थी जिसमें जंगल में खड़ी देवी को इंसानों की बलि दी जा रही थी। वो जब इस बारे में एल्मा से पूछता है तो एल्मा बताती है कि पुराने लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक देवी है जिसको खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि भी दिया करते थे और वो नेचर का ख्याल रखती है, पर अब तो ये बच्चों को सुनाने के लिए कहानी ही रही है। खैर मार्टिन यहाँ के लोगों से पूछता है कि पहले जो रिसर्चर्स यहाँ पे आए थे और जंगल पे खो गए उन्हें नई टेक्नोलॉजी के जरिए क्यों नहीं ढूंढा गया। जवाब में उसे कहा जाता है कि वो लोग बगैर गाइड के जंगल में गए थे। ऐसे में जंगल में गुम जाना बहुत आम सी बात है और जंगल में घूमना इंसान पे ऐसा खौफदारी कर देता है कि इंसान फिर जिंदा नहीं रहता। मार्टिन सिर्फ किसी रिसर्च के सिलसिले में नहीं यहाँ आया था, वो यहाँ किसी को ढूंढने भी आया था। जंगल में जाते हुए वो अपनी गाइड एल्मा को ओलिविया के बारे में बताता है जिसके साथ उसने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया था। वो सच में एक बहुत ही ज़हीन लड़की थी। वो काफी टाइम से इस जंगल में रिसर्च कर रही थी पर पिछले 6 माह से किसी को उनका लेटर नहीं मिला। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक टूटा बिखरा कैफ मिलता है। एल्मा बताती है कि एक फैमिली इस जंगल में आई थी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। ये सोचकर कि वो लोग मर गए होंगे ये दोनों काफी उदास हो जाती है। रात होने से पहले ये लोग दोबारा कैंप लगा लेती है और इस रात इनके ऊपर कोई हमला कर देता है। न जाने किसने हमला किया था, इनकी आंखों में तो सिर्फ तेज रोशनी पड़ी थी। इनको खूब मारा जाता है कि ये लोग बेहोश हो जाते हैं। होश आने पे ये देखते हैं कि इनको लूट लिया गया था। इनके पास तो जूते भी नहीं रहे थे। बिना सामान और जूतों के जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो मार्टिन के पाँव में बहुत ही गहरा कट लग जाता है। उसके पाँव पे पट्टी बांध देती है और उसे एक लकड़ी देती है जिसके सहारे वो जंगल में आगे बढ़ सके। और आगे जाने पे वो एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां आवाज ही नहीं थी, सन्नाटा था वहां पे, हवा तक की आवाज नहीं थी। और अचानक इनके सामने अब एक आदमी आता है जिसे देख कर ये डर जाते हैं। वो आदमी कहता है डरने की जरूरत नहीं, मैंने बस इस लड़की को जख्मी देखा तो तुम्हारे पास चला आया। वो कहता है कि मेरे पास कुछ जूते हैं तो मेरे कैंप पे आ जाओ, मैं तुम्हें जूते दे दूंगा। ये दोनों नोटिस करते हैं कि इस आदमी के पास तो काफी सामान था, शायद वो यहाँ काफी अर्से से रह रहा था। वो मार्टिन के पाँव का जख्म दिखता है जो बहुत गहरा था, इसीलिए वो उसके पाँव में टांके लगाता है, उसे पहनने के लिए जूते देता है, खाना और पानी भी। आखिर में कुछ मीठा पीने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये आदमी भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। किसी खास मकसद से वो इन दोनों को अपने कैंप में लेके आया था। वो इन दोनों को मरे हुए इंसानों जैसे कपड़े पहनाकर इनकी तस्वीरें लेता है। दोनों को जब होश आता है तो ये एक कुर्सी से बंधे हुए थे। वो इस आदमी से अपनी जान की भीख मांगते हैं। वो आदमी दोनों को बात कर जंगल के बिल्कुल दरमियान में ले आता है और इन दोनों से कहता है कि इस जंगल में कोई अजीब ताकत है, कोई देवी, और मैं उससे बात कर सकता हूँ। और एक मजे की बात बताऊँ, तुम्हारा यहाँ आना भी कोई इत्तेफाक नहीं, तुम्हें यहाँ लाया गया है। इन सब बातों के बाद वो मार्टिन से कहता है कि तुम्हारे पैर का जख्म काफी खराब हो चुका है, तुम्हारा इन्फेक्शन पाँव की उंगलियों में फैल गया है जो कि मुझे काटनी पड़ेगी। मार्टिन और एल्मा उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे लेकिन वो एक नहीं सुनता और मार्टिन के पाँव की दो उंगलियां अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। मार्टिन को इतना दर्द हुआ था कि वो तो बेहोश हो चुका था। अब वो आदमी मार्टिन को यहाँ से बाहर ले जाता है, उसको अजीब से कपड़े पहना देता है, अजीब चीजें रख देता है ऐसे जैसे अब वो मार्टिन की बलि देने वाला हो। जबकि दूसरी तरफ एल्मा अपनी कुर्सी के पास पड़ी हुई ब्लेड को बहुत मुश्किलों से हासिल करती है, अपने आप को छुड़वाती है और मार्टिन को बचाने के लिए बाहर जाने ही वाली थी कि यहाँ पर वो बुरा आदमी आ जाता है जिसके ऊपर हमला करने के बाद वो मुश्किल से ही सही पर मार्टिन के पास पहुंच जाती है और उसे भी छुड़ा लेती है। वो कब आती है, ये दोनों भागते हैं जंगल की दो अलग अलग डायरेक्शंस में। मार्टिन दो पाँव पे लगने वाली चोट की वजह से काफी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था जबकि एल्मा तेज भाग रही थी। ये आदमी एल्मा के ऊपर अब तीर से हमला करने ही वाला था कि तभी मार्टिन उस आदमी का ध्यान एल्मा से हटाने के लिए उसे आवाज देता है। अब वो आदमी मार्टिन के पीछे पड़ चुका था। मार्टिन तेज ना भागने की वजह से अब जंगल में छुपने की कोशिश कर रहा था और वो आदमी मार्टिन को मारने की। तभी उसे जंगल में एक माइक नजर आता है, मार्टिन उसमें मदद के लिए चिल्लाता है और अचानक वही तेज रोशनी उसे नजर आती है और अचानक कोई सूट पहनी हुई लड़की उसे बचा लेती है।
है। ये और कोई नहीं थी बल्कि साइंटिस्ट ओलिविया ही थी जिसे ढूंढने के लिए मार्टिन यहाँ तक आया था, उसके साथ ही रिसर्चर। ये लोग कुछ ही देर में अल्मा को भी ढूंढ लेते हैं। मार्टिन इससे पूछता है कि तुमने बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट खत्म क्यों कर दिया, तो ओलिविया जवाब देती है कि मैं यहाँ पर काफी बिजी हो गई थी, मुझे यहाँ पर कुछ मिला, कुछ ऐसा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया अब बदल जाएगी। ओलिविया बताती है कि मुझे यहाँ काफी अजीब पत्थर मिले हैं और साथ ही मुझे यहाँ काफी अजीब फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की दरख्त और हर चीज आपस में एक दूसरे से बातें करती है और शायद यहाँ पे ऐसी कोई ताकत है जो हमसे बात करना चाहती है। मैंने इन आवाजों को समझते हुए एक लैंग्वेज भी बनाई है। मार्टिन भी इन आवाजों को सुनता है और समझ जाता है कि ये आवाजें कोई आम आवाजें नहीं है। अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हुए ओलिविया बताती है कि मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई थी जिसका सामना तुम लोग कर चुके हो। हम लोग काफी टाइम रिसर्च करते रहे और फिर हमें एक पत्थर और एक किताब मिली जिसे पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे मौजूद एक ताकत का पता चला। इस ताकत की असलियत का पता चलाने के लिए मैंने तो साइंस का सहारा लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड जादू में बिलीव करने लगे और अब वो उसी ताकत की, उसी देवी की पूजा करता है और उसे खुश करने में लगा रहता है। यही वजह है कि वो तुम्हें मारना भी चाहता था। ओलिविया कहती है कि मैं इस लैंग्वेज के जरिए बहुत करीब पहुंच चुकी हूं। मुझे लगता है कि अब जल्दी ही मैं ये जान जाऊंगी कि वो ताकत हमसे क्या कहना चाहती है। ओलिविया की सारी बातें खत्म होने के बाद एल्मा मार्टिन से कहती है, मुझे सोलर की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं, ये अपने शोर की तरह ही अजीब बातें कर रही है। मुझे लगता है कि ये उस आदमी के साथ मिली हुई है और हम अभी तक खतरे में हैं। एल्मा कहती है कि हमें खुद भी यहाँ से निकलना चाहिए और इस औरत को भी यहाँ से ले जाना चाहिए। मार्टिन जब ओलिविया से सारी बात करने के लिए उसके पास जाता है तो वो एक नई कहानी मार्टिन को सुनाने लगी थी। वो कहती है कि तुम यहाँ आए नहीं हो, याद करो तुम्हारे यहाँ इस पहले तुम्हारे कान बचे होंगे, हमारे भी बचे थे और हम भी इसीलिए यहाँ आए। इन बातों से एल्मा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मार्टिन से कहती है कि हम यहाँ से अभी और इसी वक्त निकल रहे हैं। जैसे यहाँ से निकलने ही वाली होती है तो जंगल के चारों तरफ से अजीब जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है। ओलिविया कहती है चले जाना यहाँ से, पर कुछ देर इंतजार कर लो, ये गैस जब खत्म हो जाए तब चले जाना। पर एल्मा अब रुकने वाली नहीं थी, वो यहाँ से जाने के लिए ओलिविया से ओलिविया का सूट लेती है और मार्टिन उसके साथ एक रस्सी बांध देता है ताकि एल्मा अगर उस गैस में जाते हुए बेहोश हो जाए तो मार्टिन उसे बचा सके। ऐसा ही होता है, एल्मा थोड़ी ही दूर जाती है तो गैस उसके ऊपर अपना असर करना शुरू कर देती है, उससे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, कुछ चीजें नजर आने लग जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। मार्टिन फौरन ही उसे पीछे खींच लेता है। होश में आने पर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैंने उसे देखा, वो बहुत ही बड़ा था, मैंने उसे देखा। तो जाती है और हम देखते हैं कि ओलिविया का हस्बैंड भी उनके कैफ के पास आया हुआ था। मार्टिन और एल्मा को अब इन बातों का यकीन हो चुका था कि ये दोनों मिले हुए हैं। ओलिविया मार्टिन से कहती है कि यहाँ पे जो भी ताकत है वो तुम्हारे जरिए हमसे बात करना चाहती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम ये पी लो और इसके बाद हम बाहर चलेंगे। मार्टिन उसकी बात इतनी आसानी से ना मानता, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो एल्मा की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उसे ये भी पता था कि शायद वो जो पी रहा है उसमें जहर भी हो सकता है। एक दरख्त के पास आकर मार्टिन उस जहर को पीने ही वाला था कि दूसरी तरफ एल्मा ओलिविया से कुछ बात करने के लिए जाती है। उसके सीक्रेट रूम में जाने पर उसे काफी लोगों की तस्वीरें मिलती हैं। ये वही लोग थे जो इस जंगल में घुमे थे और जिनकी लाशें एल्मा और मार्टिन ने इसी जंगल में देखी थी। एल्मा अब जान चुकी थी कि ये साइंटिस्ट अपने हस्बैंड से भी ज्यादा पागल है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि यहाँ पर ओलिविया भी आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे ओलिविया के ऊपर हमला करती है और उसे जख्मी करके मार्टिन को बचाने के लिए बाहर आती है, जहाँ पर ओलिविया का हस्बैंड उसे तकरीबन मारने वाला था। वो बहुत ही तेजी से पहले ओलिविया के शोहर की आँख पे हमला करती है और फिर उसे मार देती है। मार्टिन की जान अब बच चुकी थी, जबकि ओलिविया के शोहर के मरने की वजह से यहाँ अजीबोगरीब धुआं फैल चुका था। इस धुएं से एल्मा को दोबारा हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उसे अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसके सामने ओलिविया थी जो उसे शुक्रिया कहते ही जमीन पर गिर जाती है, ऐसे जैसे उसे किसी अजीब ताकत ने आजाद कर दिया था और वो ताकत अब एल्मा के अंदर आ चुकी थी। वो अजीब लहजे में मार्टिन को आकर कहती है, चलो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊं। कहानी में अभी भी एक सवाल बाकी है कि आखिर एल्मा और ओलिविया के साथ हुआ क्या था। इस जंगल में सच में एक ताकत थी जो नेचर का ख्याल रखती थी और नेचर से प्यार करती थी, पर जब इंसानों ने नेचर को बुरी तरह तबाह कर दिया तब उस ताकत ने लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू किया जो उसके कहने पे नेचर का ख्याल रखे। लेकिन ओलिविया और उसके हस्बैंड को ये बात ठीक से समझ नहीं आई, उन्होंने इस ताकत को खुश करने के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया और तब दोबारा नेचर ने एल्मा और मार्टिन को यहाँ बुलाया। कहानी के आखिर में हमने देखा कि एल्मा ने मार्टिन को मारने की बात नहीं की थी, इसका मतलब था कि उस ताकत को अब सही इंसान मिल चुका है जो उसके लिए नेचर का ख्याल रखे, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।